हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स, इसमें टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। अब आप इसमें देखो, यहाँ पर दो तरह के सिस्टम है। एक तो हमें समझना पड़ेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम, जो अभी अपन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये डिजिट्स यूज करते हैं। 10 डिजिट्स हैं ये, तो टोटल कितने डिजिट्स हुए? 10 डिजिट्स, तो इसका बेस होगा 10। अब इस सिस्टम में अगर किसी नंबर को लिखना है, जैसे कि मेरे पास है 5, 2, 3 और 7 है। अब इस नंबर को इस सिस्टम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इट इज रिटन एज 5, 2, 3, 7 लिख करके यहाँ ब्रैकेट बना दो और यहाँ 10 लिख दो। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन काउंट होगा। अब एक है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। अब देखो, बाइनरी का मतलब ही क्या हो जाएगा हमारे सामने कि दो डिजिट्स, यानी कि ओनली टू डिजिट्स इस सिस्टम में हम यूज करेंगे, 0 एंड 1, सिर्फ 0 एंड 1, और कोई भी डिजिट्स इसमें यूज नहीं करते हैं। तो बिकॉज दो डिजिट्स यूज करते हैं इसलिए इसको बाइनरी बोलेंगे। तो ओनली टू डिजिट्स विच आर 0 एंड 1 विल बी यूज्ड इन दिस सिस्टम। अब इन 0 और 1 को क्या बोलेंगे अपन? बाइनरी डिजिट्स बोलेंगे। अब इसको शॉर्टकट बनाओ, देखें, यहां से बी आई और यहां से टी एस, तो इसको क्या बोलेंगे? बिट्स बोलेंगे। 0 और 1 को क्या बोलेंगे? बिट्स बोलेंगे। अब यहां पर बिकॉज दो ही नंबर यूज कर रहे हैं 0 एंड 1, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 2, जबकि इसमें 10 डिजिट्स यूज कर रहे थे इसलिए इसका बेस कितना था? 10 था। यहां पर दो ही डिजिट्स यूज कर रहे हैं इसलिए इसका बेस कितना होगा? 2 होगा। अब जैसे कोई भी बाइनरी नंबर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे 1, 1, 0, 1, 1, और सपोज यहां पर एक बार और 1 आ गया, तो अब आप इसको इस सिस्टम में लिखने के लिए यहां पर बेस 2 लिख देंगे इस तरह से, तो ये बाइनरी नंबर काउंट होगा। तो ये तो हमने सीखा लिखने के लिए कि कैसे लिखेंगे। अब हम किसी नंबर को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको अपन डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखेंगे। तो अपन सीख रहे हैं कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स टू द बाइनरी नंबर। अब देखो भाई, सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं 47। अब 47 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर, तो इसके लिए सबसे पहले आप 2 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर, ना इस तरह से लिखना सीखेंगे। यहाँ 47 लिख लेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जा रहा है भाई? 2 2 जा 4 और 2 3 जा कितना आया? 6। 1 बच गया इसके अंदर रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर आप इसमें लिखते रहे। कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा ना। जैसे वापस देख लो, 2 का डिवाइड किया 47 में, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बच गया, जो रिमाइंडर बचता उसको साइड में लिखते रहे। इसी तरह से ये प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी से आपके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो, 2 1 जा 2 और ये हमारे पास 2 1 जा 2। अब बताओ रिमाइंडर क्या बचा है इसके अंदर? 1 ही बचा, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। फिर आप इसमें देखिए, 2 का डिवाइड, 2 5 जा 10, कितना बचा हमारे पास में? 1, तो 1 को यहाँ लिख लो। इसी तरह से फिर हमारे पास ये 2, तो 2 2 जा कितना आया? 4, 1 बचा रिमाइंडर, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। और इसी तरह से लास्ट में ये 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा भाई? पूरा पूरा चला गया ना, 0। तो ये हमारे पास में प्रोसेसिंग है। अब अपन इसको बाइनरी ऑपरेशन में लिखेंगे कैसे? बाइनरी नंबर मतलब कि कैसे लिखेंगे ये सोचिए आप। 47 है ना, इसका बाइनरी क्या बनेगा? देखो यहां से स्टार्ट करो, ये 1 आया तो ये 1 लिखिए, फिर उसके बाद में क्या आया? 0, और इस तरह से लिखिए आप, 0 के बाद में 1, फिर उसके बाद में 1, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 1, और यहां पर बना दीजिए बेस 2। ये हो गया इसका बाइनरी प्रेजेंटेशन, यानी कि 47 जो है आपके बाइनरी में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 0 1 1 1 1 और ये बेस 2। इस तरह से अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। इजी है,
बस स्टेप टू स्टेप चलते रहे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 569, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, यहाँ 2 लिख लो और ये हमारे पास में 569। लिखने का जो प्रोसेस है उसको नहीं छोड़ना है, बस उसको सही तरीके से यूज करना है। अब 2 है, 2 का डिवाइड इसके अंदर देंगे तो 2 जा 4, 1 बच गया, ये 16, 2 8 जा 16 है ना, फिर 9 आया तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, उसको 1 को यहाँ लिख लो। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें 2 का ही डिवाइड करना है ये ध्यान रखना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो रिमाइंडर कितना है 0। फिर 2 का 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, फिर रिमाइंडर 0 मिल गया। और ये हमारे पास में फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 1 तो 11, 2 5 जा 10, 1 बचा रिमाइंडर, 1 यहाँ लिख लीजिए। फिर 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 1 बचा रिमाइंडर, 2 8 जा 16 फिर 1 बच गया। फिर 2 4 जा 8 कितना बचा भाई, 0 रिमाइंडर। इसके बाद वापस ध्यान से देखो, 2 2 जा 4 फिर रिमाइंडर कितना बचा 0, और ये हमारे पास में 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा बताइए, 2 1 जा 2 में 0 रिमाइंडर, तो ये हमारे पास 0 लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है भाई, अब आप इसमें लिखना शुरू करेंगे ऐसे, ये हमारे पास में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, यानी कि 569 है ये आपके डेसिमल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर बेस इसका 10। अब इसका बाइनरी नंबर लिखना है कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दो 1000, तो ये लिख दो 1000, इसके बाद में 111, ये आ गया 111, उसके बाद में फिर 001, ये 001, और बेस हमारे पास में क्या आएगा, इसमें 2 आएगा, ये इसका आंसर है। बहुत इजी है, बस स्टेप टू स्टेप चलते रहें। अब नेक्स्ट नंबर है 394, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेसिंग। थ्री हंड्रेड 94, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया 19, तो 2 9 जा 18, 1 बच गया 14, 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बचा इसके अंदर, जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ लिख लेते हैं 0। इसी तरह से फिर 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड ही देना ही ध्यान रखना, 2 9 जा 18, 1 17, तो 2 8 जा 16, 1 बच गया रिमाइंडर। फिर 2 का डिवाइड तो हमारे पास में 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 का 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, क्या बच गया अभी 1। फिर 2 से तो यहाँ क्या 12 आ जाएगा और रिमाइंडर बचा 0, 2 6 जा 12, ये हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0। फिर 2 से तो 2 3 जा 6, फिर रिमाइंडर 0 और ये हमारे पास 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, यहाँ 1 लिख लीजिए। अब आप इसमें ये देखो लिखना कैसे है, ऐसे चलना है फिर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, तो लिखो देखें 394 बेस 10 विल इक्वल टू, यहाँ से 1 1, उसके बाद में क्या है 000, देखो इस 1 को काउंट करना है ध्यान रखना, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 1 0 0 0, उसके बाद में 10, जल्दबाजी नहीं करनी कोई छूट नहीं जाए, फिर 10 और बेस में हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका बाइनरी नंबर। इजी है, बहुत केयरफुली करना है, ध्यान से कोई भी मिस्टेक नहीं हो जाए। अब हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी नंबर तो आपको दे रखा है बट डेसिमल नंबर हमारे को इसमें फाइंड करना है, यानी कि हमें ये पता करना है कि ये
किसको बाइनरी के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो बहुत ईजी है, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले इस वन को देखो, वन के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 2 की पावर 6 लगा दो। देखो इस वन की बात कर रहे हैं ना, तो इस वन के बाद में कितने नंबर है देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 की पावर 6। इस वन के बाद में देखो आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की पावर 5। वैसे जीरो को तो कोई ज़्यादा ले देखना नहीं है, बट फिर भी अपन प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 2 है ना, यहाँ पर कितनी पावर आएगी, ये 0 है, इसके बाद में इस तरफ देखो, इस तरफ देखना है, इसके बाद में मतलब इस तरफ मैं राइट साइड देख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4। इसी तरह से यहाँ पर देख लो, इसमें ये 1 है ना, 2 की पावर कितनी आएगी, 1, 2, 3। यहाँ पर 0 है, 2 की पावर कितनी, 1, 2। यहाँ पर 2, इसकी इस 1 के बाद में कितना है, एक ही डिजिट है, इसलिए 2 की पावर 1। और इसके बाद में कितने डिजिट है, कोई डिजिट नहीं, इस तरफ ना राइट साइड, तो 2 की पावर 0। इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। अब आप इसको लिखिए, सबसे पहले ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 का, लिखा हो ना 2 की पावर 6, फिर प्लस ये 1 है, 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 का, प्लस अब ये 0 है, 0 × 2 की पावर 4 लिखूंगा तो 0 ही आएगा सीधा, आप 0 लिख लो यहां पर बस। फिर ये 1 है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1 × 2 की पावर 3। इसके बाद में आ गया 0, तो 0 के मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 आएगा, तो 0 ही बनेगा। प्लस अब हमारे पास देखो, तो इसमें छोड़ना किसी को नहीं है, ध्यान से करना है, ये 1 यानी कि 1 × 2 की पावर कितना 1 आ गया, प्लस ये हमारे पास में क्या आया 1, तो 1 × 2 की पावर 0। ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि भाई 1 के साथ में जो 2 होते हैं ना, उनको सॉल्व करके ऐड कर लो तो काम हो जाएगा आपका। अब सॉल्व करो, 2 की पावर 6 कितना होता है सोचो, 2 की पावर 6 यानी 64, यानी 2 को 6 टाइम्स है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख करके मल्टीप्लाई करके देखो, देखें कितना आ जाएगा, 64 × 1 है तो 64 ही रहेगा। ये हमारे पास में 32, ये तो 0 है ही, ये 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 × 1 8 ही रहेगा, ये 0 या 2, ध्यान रखो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास में पूरा 1 आ जाएगा। अब देखो भाई, हमको ऐड कर लो सिंपल सा, कितना आया 64 और 32, 66 और 96, 96 और 8, 104, 106 और 107, यानी कि ये आ गया मेरे पास में डेसिमल नंबर, दैट इज 107, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ईजी है, बस केयरफुली करते रहिए। अब एक हमारे पास में और बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, 1000001001, तो 0 ज़्यादा है तो कैलकुलेशन ईजी होने वाली है ना, देखते हैं। इधर से स्टार्ट करें, इसको 2 की पावर कितनी आएगी, इससे राइट साइड में देखो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 की पावर 8, इसको काउंट नहीं करना है, इसके बाद में राइट साइड में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर ये 0 है, अब 0 के साथ वाला जो 2 लिखेंगे ना, लिख तो लेते हैं लेकिन इंटू 0 करने से वैसे ही वो 0 हो जाता है, तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो 0 की वैल्यूज को आप छोड़ सकते हैं। 0 के साथ में देखे 2 की पावर 7, क्यों 0 के राइट साइड के अंदर कितने लिखे हुए देख लो आप डिजिट्स, यहाँ 2 की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 5। यहाँ ध्यान रखें भाई है ना, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, इसके साथ में देखें तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1, और इसके साथ में 2 की पावर, क्योंकि राइट साइड में कोई डिजिट नहीं है, 0। तो मेनली हमारे को यूज़ तो कौन से करने होंगे, एक तो ये वाला, और एक हमारे पास ये वाला, और एक हमारे पास ये वाला, ठीक है। बाकी तो इंटू 0 करने से वैसे ही 0 हो जाएंगे, फिर भी एक प्रोसेसिंग के थ्रू अगर लिख के देखूँ तो ये आएगा 1 × 2 की पावर 8, यहाँ पर 0 × this लिखूंगा तो मेरे ख्याल से ये 0 लिख लो तो ही बेस्ट रहेगा इसके अंदर। एक बार लिख लेते हैं, प्लस
यहाँ पर भी जीरो है, जीरो इंटू टू की पावर सिक्स प्लस, इसके बाद ये फिर जीरो है तो जीरो इंटू टू की पावर फाइव। मैंने आपको क्या बताया था, जीरो वाला जो प्लेस है ना, तो जीरो इंटू टू की पावर सेवन करेंगे जीरो ही मिलेगा, और प्लस करने पर वो नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज करता नहीं है, इसलिए आपके पास में लिखें या नहीं लिखें, क्योंकि अभी आपको ऑब्जेक्टिव अगर हिट करना है तो उसके अंदर नहीं करें तो भी चलेगा, सिर्फ वन इंटू टू की पावर एट आ रहा है कितना आ रहा है उसका ध्यान रखना जरूरी होता है बस। अब ये हमारे पास टू की पावर फोर प्लस वन इंटू टू की पावर फोर, और ये हमारे पास तीनों जीरो है, जीरो टू की पावर थ्री, जीरो इंटू टू की पावर थ्री प्लस जीरो इंटू टू की पावर टू प्लस जीरो इंटू टू की पावर वन एंड प्लस वन इंटू टू की पावर जीरो। लास्ट वाले को मत भूलना भाई। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, टू की पावर एट, देखो भाई टू की पावर एट में क्या होता है, टू की पावर थ्री का कितना होता है एट, फिर टू की पावर थ्री का कितना होगा एट, और फिर 2 की पावर 2 और बच गया उसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 64 इंटू 4, 16 वन 24 और 1 25 टू 56 हो गया। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 256, ये 0 ये 0 ये 0 प्लस नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 की पावर 4 है ना, तो आप देखो कितना आएगा 2 की पावर 4 का 16 आ जाएगा, और इंटू 1 करेंगे तो ये फिर 16, फिर आगे सारे 0 है, ये भी 0 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 1 ही होता है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 1 7 और ये 13, 1 2 और ये 7 और ये 2, 273, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये डेसिमल नंबर बन गया। गिवन क्या था मेरे पास में, बाइनरी नंबर, और रिजल्ट क्या आ गया इसका, इस प्रोसेस से डेसिमल नंबर। बहुत इजी है, बस स्टेप टू स्टेप आप इसके अंदर चलते रहे। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि अगर कोई हमारे को डेसिमल नंबर दे रखा है तो उसको बाइनरी में चेंज करना, और बाइनरी दे रखा है तो डेसिमल नंबर में चेंज करना, बहुत इजी प्रोसेस है। 11th क्लास के अंदर अप्लाइड बेस में ये बाइनरी नंबर के अंदर ये टॉपिक है, और इसको आप अच्छी तरह से कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। ऑल द बेस्ट।